सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे एक अच्छा मोटर व्लॉगिंग सेटअप और ऑडियो सेटअप किया जाए। आज के डेट में यार मोटर व्लॉगर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो मोबाइल का भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि यार मोबाइल का ना सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, विंड पड़ता है, हेलमेट इधर उधर हो जाता है, ऊपर से हैवी भी हो जाता है, ठीक है। प्लस अगर आप क्रैश हुए तो मोबाइल तो जाएगा, एक जोड़ आप एक्शन कैमरा का तो एक्शन कैमरा आपका फिर भी सर्वाइव कर जाता है, मोबाइल तो मुझे यार रिस्क लेना बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। काफ़ी लोग का सवाल रहता है कि यार मोटर व्लॉगिंग सेटअप हमने कर लिया, ठीक है, ऑडियो सेटअप कैसे करें, क्योंकि यार माइक को सही जगह रखना हेलमेट में बहुत ज़रूरी है, वरना फिर विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आता है, आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आती, प्लस एग्जॉस्ट वगैरह का साउंड भी क्लियर नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक को कहाँ लगाया जाए और क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाए एक परफेक्ट सेटअप के लिए। तो मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, बाकी यार आप चाहो तो अपना मोबाइल यूज़ करो, कोई भी कैमरा यूज़ करो, तो आप उस तरीके से उसको भी सेटअप कर सकते हो। मेन है माइक, क्योंकि यार ऑडियो ज़रूरी है, वीडियो तो सब बना लेंगे, ऑडियो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है वो सारा सामान जिससे बनता है मेरा मोटर व्लॉगिंग सेटअप। तो ये है मेरा हेलमेट जो कि है स्टड्स ड्रिफ्टर, तो ये मेरा सेकेंड हेलमेट है, पहले मैं स्टड्स थंडर यूज़ करता था। तो देख सकते हो मैंने इसमें एक बहुत क्लियरली जे माउंट को लगाया है। तो यार क्या हुआ था, एम सील तो सब लगाते हैं, मैंने यार मेरा माउंट टूट गया था, तो मैंने उसको स्क्रू के बेसिस पे इससे लगा दिया। तो यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी, और इवन क्लीन भी दिखता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, क्लीन दिखता है। आपको बस बहुत माइनर से होल करना है हेलमेट से, और आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे एक तो वैसी कवरिंग रहती है, तो उसमें कोई इफेक्टिव दिखता ही नहीं है। उस कवर को आप खोलिए और होल्ड करिए और फिर इसको लगा दीजिए, तो ये बहुत क्लीन दिखता है। सेकेंड चीज़ आपको चाहिए एक अच्छा लेवलियर माइक। तो ये जो मैंने माइक है, मेरा जो माइक यूज़ करता था वो माउनो का है, तो मैंने उसको एक फोम से टेप के साथ कवर कर दिया टोटल, देख सकते कितने से कवर किया मैंने। तो ये करना ज़रूरी है ताकि ना विंड ज़्यादा ना आए। और फिर अगर आप GoPro यूज़ करते हैं तो भाई GoPro का माइक अडोप्टर तो बहुत ज़रूरी है। तो माइक अडोप्टर के बिना तो आपको सबको पता है GoPro से कोई मतलब का नहीं हो पाएगा, ऑडियो आप रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएंगे। मैं जो GoPro यूज़ कर रहा हूँ वो है GoPro Hero 7 Black। तो मैंने 8 भी देखा, 8 और 7 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइज़ का अंतर है। तो और साथ ही साथ 7 में काफ़ी ज़्यादा आपको मॉड्स अवेलेबल हैं, जैसे फ़िल्टर एंड ऑल। तो अगर आप GoPro Hero 7, 6, 7 या 8 यूज़ कर रहे हैं तो आपको चाहिए पड़ेगा ओलांजी केस, जिसके अंदर आप इजीली यहाँ पे अपने GoPro को लगा लीजिए, एक यहाँ पे अपने माइक अडॉप्टर लगा लीजिए, फिर माइक अटैच कर दीजिए। तो इससे आपका बनेगा एक क्लीन सेटअप, वरना फिर यार वो माइक अडॉप्टर लटकता रहेगा, आप उसको कुछ लोग यहाँ से वेलक्रो से लगा लेते हैं साइड में, तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो रिस्क रहता है, विंड से निकल जाता है, क्लीन दिखता है बट निकल जाता है, कोई मतलब नहीं है। आप ओलांजी केस ले लिए, उससे सही लगेगा। और अगर आप GoPro 9 और 10 यूज़ करते हैं फिर तो आप मीडियम मोड यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको माइक जो रहता है वो रहता है TRRS माइक। ये जो आप पेंस के वो देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो हैं, तो ये TRRS है। तो इसको अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो TRS कन्वर्टर भी चाहिए पड़ेगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं, ये TRS कन्वर्टर देखते हैं, यहाँ पे ये दो गैप हैं, यहाँ पे एक ही गैप है, तो इसको आपको लगाना पड़ेगा पहले अपने माइक पे। उसके बाद इस पहले आपको माइक को इसमें लगाना है, फिर इसको आपको लगाना है माइक अडोप्टर पे। तो चलिए मैं आपको एक बार सेटअप करके पूरा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक डेमो दूंगा कि यार आवाज़ कैसे अच्छे से रिकॉर्ड होती है कि नहीं। तो गाइस, हमने हमारा सेटअप कर लिया है, तो देख सकते हैं आप ये बहुत प्रॉपर दिख रहा है। मैं जे हुक यूज़ नहीं करता हूँ, ये 3 एक्सटेंडर क्लिप्स को यूज़ करके मैं अपना कैमरा लगाता हूँ, क्योंकि यार जे हुक बार बार टूट जाता है और ये ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ना ये इससे आप अपने GoPro को ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ जे हुक लगाने के बाद ना ये जो यहाँ पे एयर वेंट रहता है यहाँ पे इस कैमरा बहुत सड़ जाता है, तो कैमरे आप ढंग से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यार जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राइड पे हूँ, मैं किसी और बाइक पे व्लॉग कर रहा हूँ, कोई और बाइक किसी फ्रेंड की बाइक चला रहा हूँ, तो मैं अपने उस बाइक के सेटिंग पोजिशन के हिसाब से अपने कैमरे को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से GoPro से यहाँ पे अपना माइक अडोप्टर क्लिप लगा दिया है, माइक अडोप्टर का वायर यहाँ है। तो माइक अडोप्टर से हमने ये TRRS कन्वर्टर पहले लगाया, फिर उसके बाद हमारे माइक के वायर को ले लिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि माइक कहाँ लगाना चाहिए। तो माइक का वायर यहाँ से आया है और मैंने माइक के पूरे एक्स्ट्रा वायर को अपने पैडिंग के अंदर यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए, यहाँ से आपकी पैडिंग रिमूव हो जाती है, क्लिप रिमूव हो जाता है, देन इसको आप अंदर रख के दोबारा लगा सकते हैं। अब रही बात माइक की, तो यार माइक ये देखिए, माइक को
मैंने माइक का जो मतलब कह सकते हो कि जो मेन ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखा है, मीन्स यहाँ पे, ये हेलमेट का बॉटम व्यू है, ठीक है। तो माइक को आपको यहाँ पैडिंग से सटा के रखना है बिल्कुल, क्योंकि आप जब बोलोगे तो आपका माउथ यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी यहाँ पे। तो ऐसे आपको बिल्कुल चिपका देना है, थोड़ा सा आप टेप से इसको यहाँ से ऐसे स्टिक कर दीजिएगा, यहीं पे रखिएगा माइक, बिल्कुल विंड नॉइज नहीं आएगा। तो चलिए शॉर्ट स्पिन पे चलते हैं और फिर आप देखिए कि ऑडियो कैसा रिकॉर्ड होता है। मैं आपको वाइज़र ओपन करके भी ऑडियो सुनाऊंगा और वाइज़र को बंद करके भी, थोड़ा स्लो में भी सुनाऊंगा और थोड़ा स्पीडिंग में भी, ठीक है। वहीं चलें तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ ऑडियो का डेमो। तो अभी हम कॉलोनी के अंदर ही चला रहे हैं, तो अभी हमारी स्पीड है अप्रॉक्स 40 और अभी मैंने वाइज़र क्लोज करके रखा हुआ है, देख सकते हो। अब मैं वाइज़र ओपन करके बात करता हूँ, तो वाइज़र ओपन करके बात करने पे थोड़ा फ़र्क तो आएगा ही आएगा, आपको ही पता है। वाइज़र बंद करके बात करने पे थोड़ा सा विंड नॉइज कम हो जाता है, मतलब काफ़ी अंतर आता है। तो मेन रोड आने वाला है, मेन रोड पे हम थोड़ा सा स्पीडिंग करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा नहीं भाई, 60-80 तक जाएंगे, उसमें देखेंगे ऑडियो कैसा आता है। अब जैसे मेरी गाड़ी तो यार स्टॉक एग्जॉस्ट वाली है, ठीक है, इसमें अपना वो कस्टम एग्जॉस्ट तो है नहीं, तो ठीक है देखते हैं एग्जॉस्ट का आवाज़ भी कितनी आती है। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे यहाँ का विंग्स कॉन्वेंट स्कूल और अभी हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ, स्पीड 80 और ये ब्रेक मारना पड़ गया यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें कितना विंड आ रहा है। मैंने पहले भी टेस्ट किया है, विंड नहीं आता यार, मैंने कहा राइट पे भी टेस्ट किया है, ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है। आपकी अगर बाइक बहुत ज़्यादा लाउड वाली है तो फिर थोड़ा बहुत का एग्जॉस्ट साउंड आपको वो ख़राब कर सकता है। शूटर तो यहाँ पे हाईवे आ गए हम, एक्चुअली हाईवे से राउंड लेके थोड़ा सा वापस अपने घर की तरफ जाएंगे, देख लें आजू बाजू कोई नहीं, ठीक है, मेन हाईवे कनेक्ट हो रहा है। मेन तो यार हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑडियो हमें टेस्ट करना है ना, और आपको दिखाना है डेमो, ये ऑडियो सही आ रहा है या नहीं। तो अभी तक तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि यार ये कितना वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, मैं खुद ऑडियो के लिए बहुत ढूंढता था यूट्यूब पे, वीडियोस मुझे नहीं मिलते थे। कई लोग सब ये बोलते यार हेलमेट में पैडिंग में चेंज कर दो, ये सब कर दो, मैंने पुराने हेलमेट सेट करके भी देखा, कुछ वर्क नहीं करता है। ये सेटअप जो है ये पक्का वर्क करेगा, आप लिख के ले लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, मैंने एक न्यू राइडिंग जैकेट भी ली है, तो अगला वीडियो में उसको रिवील करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि वो राइडिंग जैकेट आप सबके लिए मोस्ट अफोर्डेबल राइडिंग जैकेट होने वाली है और वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग जैकेट होने वाली है, ये मेरी गारंटी। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।